वो तो माशाल्लाह से पढ़ती पढ़ाती हैं, वो तो ठीक है भाजी, ये ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा, आप ये पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना। और इसके अच्छा। नाम का ना एक बकरा दे दें सदके का, पाकिस्तान में बकरा, हाँ अच्छा बकरे का दे दें, क्योंकि अच्छा। जानदार का सदका जानदार ही होता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, और एक और खतरे की बात नहीं, और खतरे की बात नहीं, नहीं नहीं अल्लाह ना करे कोई खतरे की बात नहीं, इसमें परेशान मत हो, ठीक है ना। देखिये मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरा अल्लाह पे बड़ा यकीन है, ठीक है ना। अच्छा जी, और दूसरी बात, जो दूसरे दो नाम मैंने दिए थे रशीद फादर के और दूसरा नाम जो ए के साथ है, जी 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 समझ गया, जो उनके मतलब कुछ बताया, क्योंकि उनका जो मैंने ए वाला नाम बताया ना, वो और बेमकसद था कि इनकी आपस में क्या मतलब सूरत हाल है। देखिए ए का जो है ना बड़ा मसला है कि ये जो है ना ये यहाँ पे है ना, कौन ये जो ए वाले हैं, जी आज दोनों कपल इधर ही है, इधर ही है ना ये, हाँ ये जो है ना ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा ये ए वाले जो हैं, ये मुझे बताएं, ये ए वाले जो हैं ये बाद में आए हैं ना जिंदगी में? हाँ जी जाहिर है, देख लें, ये आप कुछ बता नहीं रहे, फिर ना बोलिएगा कि मैं बता नहीं सकता। नहीं नहीं वो मैंने लिखवाया तो था, हाँ लेकिन ये नहीं लिखवाया था ना, इतनी डिटेल में ये नहीं बात लिखी हुई थी कि ये बाद में आए या पहले। लेकिन ये अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये ए वाले के बच्चे कितने हैं? इनका अपना जो है ना दोनों का, यहाँ बीवी का दोनों का एक है। हाँ और उससे पहले शी वाज मैरिड ना, हाँ तो अपना एक और है, तो कुल मिला के दो हो गए या तीन? दो हुए ना, एक उसका अपना था, हाँ, ए वाले का जो ए है ना नाम, हाँ तो एक अपना था पहला, वो जवान है, और अब ये दोनों ने आपस में एक किया, दोनों मेल है, तो दो हो गए टोटल ना जी। ठीक है, ये आपके घर से करीब है? हाँ देख लें, फिर ये भी नहीं बताया आपने, ये भी मैं बता रहा हूँ, और क्या क्या पूछ करीब का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट स्ट्रीट में, मुझे पता है करीब है यानी कि दूर नहीं है ज्यादा। ठीक है भाजी, ये जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना भाजी, एक काम करें के? आप जो है ना अपना सदका भी दे दें, पता है एक दफा, अच्छा एक बकरा दे दें जो है ना, ये जो एक बकरा होगा ये दोनों इकट्ठा दे, दोनों के नाम से दे दें, हाँ दोनों के नाम से दे दें, क्योंकि ये दोनों के नाम से दे दें। अच्छा। ये मुझे बताएं बाजी कि वैसे पूछ रहा हूँ आउट ऑफ एक वो एक बात मुझे बताएं कि आपका पिछले 1-1.5 साल में कोई कोर्ट का मसला, कोई इमिग्रेशन, कोई इस तरह का मसला तो नहीं था कहीं? नहीं नहीं वो बहुत पहले का था, वो डिवोर्स का था, लेकिन अब तो नहीं है कोई कोर्ट का। अच्छा कोई अभी लीगल यानी कि कोई लीगल अफेयर तो नहीं चल रहा था पिछले 1.5-2 हाँ, साल? वो चल रहा है लेकिन वो हाँ है, फिर आप लोग कहते हैं कि शाह साहब से बताया नहीं जाता, आप लोग यही तो मैं टीवी के ऊपर कहता हूँ, मेरे वाले साहब भी कह के चले गए, खैर वो तो बेचारे क्या कहते हैं टीवी पे आए भी नहीं, वो तो आने के शौकीन भी नहीं थे, लेकिन वो भी कहते थे कि पूछ लो जो कुछ पूछना है ना, वो भी यही हम भी यही कहते हैं कि देख लो बता सकते हैं ना। अभी तक कोर्ट तक तो नहीं गया, लेकिन वो लीगल अफेयर है, अल्लाह रहम करे बस, उसके लिए भी दुआ मैंने। अच्छा अब एक काम करें, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो कहते हैं पेपर वर्क में कोई गलती हो जाती है तो उसकी बस लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए बाजी चीज ये है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यहाँ पे, कि मैं वैसे सब व्यूवर्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे खुल के बताया जाए ना, मैं शैला जी को भी मुखातिब कर रहा हूँ कि अगर मुझे खुल के बताया जाए तो मैं बहुत सारी चीजें और बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जब जोर लगाना पड़ता है। अब एक काम करें बाजी आप, हाँ तो होता ना कि फैमिली एक दूसरे के लिए यानी कि अपना नाम रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है ना? जी जी जी
तो मेरा नाम, मेरे एक सिबलिंग्स हैं उनका मतलब वो नहीं थे अपना नाम लिख सकते, कोई डील थी कोई प्रॉपर्टी की, तो उसमें उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। बाद में वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने से पहले उनकी वो बिजनेस शटडाउन हो गई थी, तो वो फिर भूल भुला के, सही बात जो है, तो वो फिर जो लोकल जो होते हैं काउंसिल वाले, उन्होंने वही नाम को फॉलो किया। हाँ, एक तो वकीलों से रابطے में रहें, ठीक है ना, यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है ये रूहानियत और क्या कहते हैं इल्म उल आदात की रोशनी में बताया जी, जा रहा है, ठीक है ना। हाँ बोले बाजी, बोले। तो वो बस वो काउंसिल वाला ने मतलब मेरे ऊपर वो सीरियस हुए हुए हैं लीगल एक्शन के लिए, तो हाँ। मैं उसके ऊपर मतलब जरा कुछ कर रही हूँ, अल्लाह ताला को हेल्प करे कि बलाई है कि टल जाए। हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखे बाजी इसके अंदर जो है ना मुझे जो है अच्छी झलक नहीं हो रही, ठीक है ना, अल्लाह राम करे, ठीक है ना, अच्छी झलक नहीं हो रही, लेकिन मैं पढ़ने को बताता हूँ तो अल्लाह ताला फजल करे कि ये मसला जो है ना, क्योंकि मैंने कहा कि वो जनरली मेरा नाम नहीं है, आई एम नॉट रिस्पांसिबल उस चीज उस बिल की, ठीक है ना। वो बिल बहुत बड़ा है तो वो मुझे मतलब अजाब दे रही है कि मैं रिस्पांसिबल हूँ। देखिए चीज ये कि अगर ये टूट के भी यानी कि किस्तों में भी चला जाए तो अल्लाह ताला फजल कर ले, कोई कोई हल निकल आए, लेकिन मैं पढ़ने को एक चीज बता रहा हूँ, ये तो लाजमी पढ़ लें, ठीक है ना। सूरह यासीन विरदे मुबीन छोटी सी किताब देखी है आपने? नहीं। ये इस्लामी बुक स्टोर चले जाए किसी से मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से है यासीन विरदे मुबीन, छोटी सी किताब होती है ये, यासीन जो है मुबीन से रुकती है फिर दोबारा शुरू हो जाती है। अच्छा, ये अच्छा, अगर अरबी ना पढ़, अगर अरबी ना पढ़ सकूं फिर? तो फिर आपको वो यासीन विरदे मुबीन ले लें, उसमें से देख लें वो किस तरह डिवाइडेड हुई हुई है, ठीक है ना। तो फिर इंग्लिश जो है ना उसको फोटोकॉपी करके उसकी बुक बना लें। मेरा मतलब रोमन इंग्लिश में ये मिल जाएगी? हाँ, रोमन नहीं, रोमन इंग्लिश में नहीं मिलेगी, दैट यू विल हैव टू मेक इट। अच्छा, यू विल हैव टू यानी कि मेक इट से मतलब बाय द यासीन एंड सी कि कितने मुबीनों तक जा रही है वो, ठीक है ना। अच्छा, एंड देन what you do is you photocopy the Roman English in paper and then photocopy लगाते रहें तो staple कर लें तो फिर वो पढ़ना शुरू कर दें उस तरह। अच्छा, ये मैं समझ नहीं आई, इस तरह यासीन जो आपको बोला कि separate book मिलती है special उसका मुबीन? हाँ, यासीन विर्दे मुबीन, it's called यासीन विर्दे मुबीन। विर्दे? Yeah, it's विर्दे, it's called विर्दे मुबीन, it because it stops at every मुबीन and it starts again. क्योंकि सात मुबीन है ना, तो सात मुबीनों से लौट लौट के it starts again। ठीक है, अच्छा, तो ये लेख है तो इसकी अरबी पढ़ के मैं रोमन इंग्लिश में लिख लूंगा फिर उसको पढ़ूं? हाँ, रोमन इंग्लिश में अरबी देख लें कि कहाँ पे खत्म होती है कहाँ शुरू होती है, तो रोमन इंग्लिश में लेके फोटो कॉपी कर लें एंड देन जस्ट स्टेपल इट एंड देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट, लेकिन ये फौरन कर लें, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि झलक अच्छी नहीं है इस चीज की। ये कितने वर्तों पर नहीं? ये रोजाना एक दफा पढ़नी है और आपने 2 बजे से पहले पढ़नी है, दोपहर के, दोपहर को जवाल के टाइम 12 बजे मत पढ़िएगा, वो जवाल का टाइम होता है ना। अच्छा, आफ्टर वन एंड बिटवीन टू, तो 15 मिनट लगेंगे आपको ये पढ़ लेंगे, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर ये क्या अल्लाह ताला करेगा, बिटवीन वन एंड टू ओ'क्लॉक, यस, क्योंकि ये जोर का टाइम है ना। हाँ, बिटवीन वन एंड टू तकरीबन जोहर का टाइम बनता है ना। अच्छा, एक दफा पढ़ के फिर? हाँ, ये एक दफा पढ़ के दुआ मांग ले कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से जान छुड़ा ले, जब ये मसला खत्म हो जाए तो फिर ये सारा ये जो सूरह यासीन विरद मुबीन है ये पढ़ना बंद कर दें और अल्लाह ताला की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजर दे दें और वजीफा उनको दे दें, बस खत्म, ठीक है ना, फिर बंद कर दिए प्लीज। ये इसके लिए नहीं नहीं इंशाल्लाह टल जाएगी, ये टल जाएगी। देखें चीज़ ये कि जब कुरान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जरूर मेहरबानी करेगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, और ये देखें ये चीज़ तो ये मुझे झलक मतलब दिलवा दो, ठीक है, ये अल्लाह ताला फजल करेगा वो तो ठीक हो जाएगा, वो बेफिक्र हो जाए। अच्छा, नहीं तो ये जो दो नाम जो आपको बताए हैं उनके वजह से ना चिकाना जाना ना उनकी वजह से बच पे बड़ी टेंशन होती है। हाँ, नहीं, तो ये जो इन दोनों के मतलब ये जो ए है और आर है, ठीक है, इन दोनों के मतलब इतना बता रहे कि इनकी आपस में क्या है, एक तो फाइनेंशियल का कोई मसला प्रेशर का कांस्टेंट है या नहीं है, या फ्यूचर में कौन का फाइनेंशियल क्या